तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सुपर स्पेशल। तभी तो आज यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल है सुपर हाई और सुपर अर्ली उठ के हम आ गए हैं इंडिया के फास्टेस्ट स्पीडवे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे। आज हम इसी F1 सर्किट पे फुल ऑन स्पीडी अंदाज में बात करेंगे ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। सर वैसे मैं जब भी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आता हूँ ना, मतलब यहाँ पे एक परफॉर्मेंस का अलग ही माहौल होता है। चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सर एकदम स्पीडी स्पीडी हो जाती हैं। और फिलहाल के राज तो मेरे पास में है ये सैमसंग का ऑल न्यू फुल ऑन स्पीडी गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन। तो आज दोस्तों करते हैं सीधा स्पीड को इंटू 100, देखते हैं कि आखिर सैमसंग ने क्या क्या पैक किया है इसी नए ब्रांड न्यू फोन में, और आखिर इसकी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा तेज है। दोस्तों वैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे फुल ऑन स्पीडी की ना, तो इसका जो मेन रीजन है वो है इस फोन में सैमसंग की एकदम डिफरेंट अप्रोच। जहाँ पे हमें इस मिड रेंज फोन में मिलता है एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर जो कि है एक्सिनोस 9825। दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है ये सैमसंग ने यूज किया था गैलेक्सी नोट 10 में, 7 नैनोमीटर पर दोस्तों बना है। और ये जो फिलहाल हमको मिल रहा है 25,000 से कम की प्राइस रेंज में ना, तो मतलब ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसका मतलब आप ये समझो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको स्पीड दे रहा है, इसके अलावा दोस्तों जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे अगर हमसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल फास्ट ऐप लोडिंग की या दोस्तों फास्ट ऐप स्विचिंग की, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बेहतर बैटरी लाइफ की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे गेम्स खेलने टाइम परफॉर्मेंस की, अगर हमसे बात करता हूँ बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस की, तो ये सभी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली हमको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है एक्सिनोस 9825, जो बना देता है इस फोन को फुल ऑन स्पीडी। कंपैरिजन के लिए अगर उसका बात करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, तो क्वालकॉम की तरफ से हमको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 मिलता है या फिर 765 वगैरह मिलता है। और बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक्सिनोस 9825 दोस्तों जो है ना प्रोसेसर 7 नैनोमीटर्स की EUV टेक्नोलॉजी में बना हुआ, ये उन दोनों को बीट करता है। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस हमको मिल रही है इस फोन में वो डेफिनेटली बहुत दमदार है, और ये एक काफ़ी फुल ऑन स्पीडी अप्रोच है सैमसंग की तरफ से। वैसे स्पीड तो मैं भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में। दोस्तों वैसे हमने अभी अभी कमाल प्रोसेसर के बारे में बात किया, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम है कमाल कैमरा के बारे में बात करने का। और यहाँ पे दोस्तों जो गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन है ना, इसमें जो कैमरा सेटअप लगाया है सैमसंग ने वो बहुत ही वर्सेटाइल है। जहाँ पे हमारे पास में है एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बात होगी खैर हार्डवेयर की, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर। जहाँ पर दोस्तों जब आप फोटोज़ खींचते हैं ना, तो जो इमेज प्रोसेसिंग होती है या फिर आप जितना जल्दी दोस्तों फोटोज़ क्लिक कर पाते हैं, वो सभी चीज़ें आप नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे जब भी आप इस फोन के कैमरा को यूज़ करते हैं। और फिर खैर सैमसंग के सिंगल टेक और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलते ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ट्रैक के बीचों बीच क्यों रुक गया और मैं नीचे क्यों आ गया, क्योंकि फिलहाल दोस्तों जो व्यू है ना मेरे सामने ये बहुत ही शानदार है, और मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ इसी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की कुछ एपिक इमेजेस। और जो व्यू है दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक है, हम अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हैं। आप इनफैक्ट दोस्तों जो देख रहे हैं सामने फिलहाल स्क्रीन पे फोटोज़ ना, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। और अगर मैं बात करता हूँ फोटोज़ की, तो यहाँ पे सेल्फीज़ ने भी कोई कमी नहीं रखी है सैमसंग ने, बिकॉज हमारे पास में है अगेन एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब मैंने इतना अच्छा रेड पहना है, आप इतना अच्छा वीडियो को लाइक कर रहे हो अभी तक, हमारे पास में इतनी अच्छी सी येलो कलर की कार है, तो एक सेल्फी तो बनती है यार। और आई एम श्योर कि जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आने वाली है। क्या बात है, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में। दोस्तों मतलब वैसे जो कैमरा परफॉर्मेंस आपने देखी है काफ़ी बेहतरीन सी है यहाँ पे इसी फ़ोन की, और जो कैमरा ऐप है वो भी यार बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है। आप जो है वो किसी मोमेंट को कभी मिस नहीं करेंगे अगर आप दोस्तों इंस्टेंट फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सिनोस 9825 है वो एक काफ़ी वर्सेटाइल एक्सपीरियंस आपको देता है। जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग बहुत फास्ट बन जाती है,
साथ में यहाँ पे हमारे पास में जो कंप्लीट पिक्चर क्वालिटी निकल के आई यार वो बहुत ही अच्छी है। आपने देखा बड़े आराम से इसी BIC की शानदार सी ब्यूटी को, और इनफैक्ट अगर आप कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं अपने सामने, अगर आपको कोई इंस्टेंट मोमेंट मिल जाता है तो आप बस कैमरा निकालो और बड़े आराम से फोटो को क्लिक कर लो। तो क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस था यहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, मतलब जो हमने लैप्स लिए ना इतनी फास्ट इसी फुल ऑन स्पीडी फ़ोन के साथ में, जो पूरी स्पीड का मज़ा उठाया है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एक्सपीरियंस था यार। लेकिन क्या करूँ, मैं इंसान हूँ तो थकान होती है, तो फिलहाल भैया थकान मुझे तो हो चुकी है, लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी थका नहीं है। वैसे मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में है एक बहुत ही बड़ी सी 7000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर दोस्तों बैटरी कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा है ही, और साथ के साथ यहाँ पे जो एक्जिनोस 9825 प्रोसेसर है उसकी एफिशिएंसी के जो हमको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो मतलब कंबाइंड आपको मिलेगी एक बहुत ही शानदार सी बैटरी परफॉर्मेंस। और अगर आप फ़ोन को लंबे समय तक ज़्यादा ही यूज़ कर लें, आपने 3-4 दिन तक, मतलब इतना तो खैर कोई यूज़ करेगा नहीं, बट मतलब एनीवेज एक पॉइंट पर दोस्तों जब बैटरी लो जाती है ना, तो आप रिचार्ज कर सकते हैं बड़े आराम से 25 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में। वैसे कोई मुझे रिचार्ज कर दो यार, यहाँ पे मुझे प्यास बड़ी लगी है, कहाँ से आ रहा है पानी मेरे पास। हाँ ये भी ना बात है, बहुत ज़रूरी है भाई, पीते रहा करो, काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों कुछ भी कहूँ यार, जो मज़ा आया ना मेरे को इस फ़ोन के साथ में फिलहाल अभी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, वो मतलब सुबह से शाम कम हो गई, हमने कितनी सारी चीज़ें जो है वो पूरी शूट कर ली आपके लिए, आपको एक पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल गया, तो यार बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पे यार अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में जो फ़ोन की मेन हाईलाइट रहेंगी, तो सबसे पहले हमारे पास में सैमसंग का एक 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर दोस्तों ये एक फुल HD+ डिस्प्ले है, सैमसंग का दोस्तों स्क्रीन है, सुपर एमोलेड प्लस सबको पैनल की क्वालिटी मिल जाती है, तो मतलब जो कंप्लीट आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना, फिर चाहे आप गेम्स खेल रहे हैं, अब गेम्स खेलने के लिए स्क्रीन तो अच्छा है ही, साथ में जो ताकत हमको मिल जाती है फुल ऑन स्पीडी एक्जिनोस 9825 की, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अगर आपसे बात करता हूँ कुछ और डिटेल्स की, तो ये चलता है लेटेस्ट UI वर्जन 3.1 पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास में यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, 6GB RAM और 8GB RAM स्टोरेज हमको मिलने वाली है 128GB की, बाकी अगर आप चाहें तो मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपैंड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनफैक्ट जो नॉर्मल अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ नॉर्मल यूजेज की ना, तो जो UI की कंप्लीट स्मूथनेस है, अगर आप दोस्तों मल्टीपल ऐप्स यूज करते हैं, अगर आप ऐप्स को स्विच कर रहे हैं या जो ऐप्स की लोडिंग स्पीड वगैरह है, वो एक बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस देती है। और मजे की बात यहाँ पर हमारे पास में सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी भी है और सिक्योर फोल्डर भी मिल जाता है, तो मतलब सभी चीज़ें सैमसंग ने पूरी स्पीड के साथ में ला के इस फ़ोन में पैक कर दी हैं, जो कि है गैलेक्सी F62। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, तो जो दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं यहाँ पर दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस है वो है 23999 इसी के 6GB RAM 128GB स्टोरेज वेरियंट के लिए, फिर है 25999 8GB RAM 128GB स्टोरेज वेरियंट के लिए। लेकिन मज़े की बात कि अगर दोस्तों आप यूज़ करते हैं स्पेशल ऑफर ICICI बैंक कार्ड्स के लिए, तो ये फ़ोन जो है वो आप ले सकते हैं सिर्फ 21,499 रुपये से, तो यार ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर होगा जहाँ पे आप दोस्तों इसको ले पाएंगे Flipkart पे, रिलायंस डिजिटल स्टोर्स पे और सेलेक्ट रिटेल आउटलेट्स पे। मेरे लिए इतना बोलना बहुत है, नॉनस्टॉप बोल चुका हूँ, शाम हो चुकी है, अब सीधा घर निकलता हूँ, टाटा बाय बाय। अरे इधर तो आओ, एक बात तो बताना भूल ही गया यार। अभी दोस्तों मजे की बात यह है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर दोनों कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है बहुत ही जल्दी इसी ऑल न्यू गैलेक्सी F62 से जुड़ा हुआ, और ऐसी वीडियोज़ भी आपको सरप्राइजिंगली मिलती रहेंगी आगे आने वाले टाइम में बहुत 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 जल्दी जल्दी बहुत 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 सारी। दोस्तों बस लवड में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको कोई चला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी रोजाना नहीं, रोजाना तो यार हो ही नहीं पाता ना, मतलब ऐसी वीडियोस बनाने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।